जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को सॉरी ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट को अभी सीख रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सर्वांग समता, दो त्रिभुज कब सर्वांग सम हुए। आज हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी अर्थात दो त्रिभुजों की समरूपता पे बात करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटी। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, आइए हम आज लोग एक प्रमेय को सीखते हैं, थेल्स का प्रमेय जिसे कहा जाता है। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ए बी सी, इसे हम लोग डी ई कह लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है, कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है थेल्स का प्रमेय क्या होता है। थेल्स का प्रमेय में ये कहा जाता है यदि एक त्रिभुज एबीसी में, यदि एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा जो डी ई है वो बीसी के समांतर हो, तो अगर डीई बीसी के समांतर हो तो क्या होगा। ये देखिए समांतर का साइन दिया हुआ है, ये आपस में समांतर है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? पहला कंडीशन ये होता है, इसमें हम लोग पहला कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन ये होता है, देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप अर्थात समरूप त्रिभुज ही है, एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो थेल्स के प्रमेय से क्या होता है, थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि एडी, जो ये एडी है, एडी अपान बीडी, जो एडी अपान बीडी बराबर होता है एई अपान ईसी के, एई अपान ईसी के, ये क्या होगा, बराबर होगा। थेल्स का प्रमेय एक ये बताता है, अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची गई है तो इस तरीके का आप एक थेल्स के प्रमेय में पहला पॉइंट ये कहा जाता है, जैसा कि आपको त्रिभुज में दिख रहा है ए बी अपान बी डी बराबर होता है ए ई अपान ई सी, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है आप ए डी अपान ए बी कर सकते हैं, अर्थात ए डी अपान ए बी बराबर आप कर सकते हैं एई एई अपान एसी, ठीक है। आइए देख लेते हैं, अर्थात एडी अपान ए बी कर सकते हैं बराबर एई अपान एसी, ठीक है। तो थेल्स का प्रमेय ये दूसरा पॉइंट बताता है कि आप इसको भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट ये बताता है कि आप ए बी बटे डी बी और ए सी बटे ई सी कर सकते हैं, तो आप यहां पे ए बी बटे डी बी कर सकते हैं बराबर इसी को कर सकते हैं आप ए सी बटे ई सी कर सकते हैं। तो थेल्स के प्रमेय से ये तीन पॉइंट निकल के सामने आता है कि ये तीन पॉइंट क्या है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर किसी त्रिभुज ए बी सी में डी ई भुजा BC के समांतर है तो AD अपान BD बराबर होता है AE अपान EC, पहला पॉइंट ये निकल के आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, AD अपान AB बराबर AE अपान AC, दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, AB बटे BD या DB बराबर AC बटे EC, ये तीसरा पॉइंट आता है। तो थेल्स का प्रमेय यही बताता है हमें, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, जी दोस्तों हमारा जो अगला कंसेप्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसके आधे के बराबर होता है, तीसरी भुजा के समांतर तथा इसके आधे के बराबर होता है। तो आइए देख लेते हैं, हमारा जो कंसेप्ट है, एक त्रिभुज ले लेते हैं,
बी और सी। अब जैसा कि कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो दो भुजाएं ले लेते हैं, इसका एक भुजा का मध्य बिंदु ये है, दूसरी भुजा का ये मध्य बिंदु ये मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु है, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा और इतना बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, मिलाने वाले, देखिए मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ये हमारा रेखाखंड हो गया यहां से। ठीक है, इसको मान लेते हैं डी और ई। क्या मान लेते हैं? डी और ई। अब ध्यान दीजिए, इसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो दो भुजाएं ये हैं, एक ए बी है और एक ए सी, ए सी के मध्य बिंदु डी है और ई है, डी और ई को मिलाने वाली जो रेखा खंड है वह तीसरी भुजा के समांतर होगा और तीसरी भुजा का आधा होगा। अब ध्यान दीजिए कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है, जो डीई है वो समांतर होगा किसके, बीसी के, डीई समांतर किसके होगा, बीसी के। दूसरा कंडीशन ये बता रहा है कि यह जो डीई है, जो डीई है वो तीसरी भुजा क्या है, बीसी है, ये तो समांतर हो गया, कहने का मतलब ये है तीसरी भुजा बीसी के क्या है, आधी है, अर्थात तीसरी भुजा बीसी का आधा। तो आप ये फॉर्मूला ये निकल के आता है कि डीई बराबर होता है एक बटे दो बी सी, डीई बराबर होगा एक बटे दो बी सी, किस कंडीशन पे, जब दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, मिलाने वाली जो रेखाखंड डीई है वह तीसरी भुजा बी सी के क्या होगा, समांतर होगा और बी सी के आधा होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा ये है। चलिए अगले कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिए हमारा जो अगला कंसेप्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज के किसी कोण समद्विभाजक, त्रिभुज के किसी कोण समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो, उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए देख लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी और सी, एक कोण ए है, कोण क्या है ए, इसका हम लोग समद्विभाजक कर लेते हैं, तो ये कोण समद्विभाजक है, अर्थात जितना ये है उतना ये है, और इसको मान लेते हैं हम डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं डी। तो ध्यान दीजिए जो एडी है, एडी वो कोण ए का समद्विभाजक है, कोण ए का क्या है समद्विभाजक, अर्थात ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, समझ गया, अर्थात जो एडी है वो कोण ए का समद्विभाजक है, जब कोण ए का ये समद्विभाजक है तो यह जो होगा सामने वाली जो भुजा है इसका जो अनुपात होगा उसके दो शेष भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात इसे जिस भागों में बांटेगा उसका उनका जो अनुपात होगा शेष दो भुजाओं का अनुपात होगा। जैसा कि दिया हुआ है फिर से समझ लीजिए, कह रहा है त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, तो देखिए त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक एडी है, उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात यहाँ पे यह जो भुजा होगा बीडी अनुपाते जो डीसी है वो बराबर होगा एबी अनुपाते एसी के, एबी अनुपाते एसी के बराबर होगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, फिर से समझ लीजिए कि बीडी अपॉन डीसी बराबर एबी अपॉन एसी होगा, कब, जब कोण समद्विभाजक तीसरी भुजा को विभाजित करेगा। तो आज हम लोगों ने ये कंसेप्ट बहुत ही आसानी पूर्वक देखा, सिमिलैरिटी के ये तीन महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।